क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है कि मेनू बार किसे कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार क्या है, इन्फो सेंटर कहाँ होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं मेनू बार। मेनू बार के अंदर, ठीक है, ये जो मेनू बार आपको दिख रहा है इसके अंदर क्या होता है कि जब आप फाइल को न्यू रखते हो, सेव करते हो, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर मिलेगी। किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है, कन्वर्ट करना है कि नहीं करना है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक, इसका कुछ पार्ट जो होता है उसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं, जो कि ये यहाँ से लगाए यहाँ तक के बीच में आपको दिख रहा है। जैसे न्यू फाइल, फाइल जो पहले से सेव है उसको ओपन करना, सेव करना, सेव एज करना, प्रिंट करना, ठीक है, अंडो, रीडो, और ये जो ड्रॉप डाउन बार है इसमें आपको यहाँ पे प्रियोरिटी देते हो कि किसको रखना चाहते हो और किसको नहीं रखना चाहते हो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो, ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार इसको कहते हैं, और इसको मेनू बार या एप्लीकेशन मेनू कहते हैं। ठीक है, ये इन्फो क्या से, इन्फो क्या होता है, जैसे कि इन्फो ये हो गया कि जो ड्राइंग सीट आप खोले हुए हो, ठीक है ना, उसका फॉर्मेट क्या है और किस नाम से सेव है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कि जैसे मेरा 2016 है, ठीक है, तो अगर मैंने 2017 में सेव कर रखा है तो वो 2017 दिखाएगा, अगर 2008 में कर रखा है तो 2008 का दिखाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि ये यहाँ पे हम क्या करते हैं कि लो वर्जन में ही हम हमेशा सेव करते हैं जब हमको किसी और को देना रहता है, बता रखा हूँ, क्योंकि अगर हाई वर्जन रखे हो तो लोअर वर्जन में नहीं चलेगा, इसलिए हम क्या करते हैं लोअर वर्जन में ही काम करते हैं, ताकि हाई में वो अपने आप को क्या कर सकता है, रीजनरेट कर सकता है। और इन्फो सेंटर में ये ड्राइंग जो भी सीट आपने नाम रखा हुआ है, जिस फाइल नेम से सेव कर रखा है, वो उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये बताता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये कि सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन यहाँ पे ये काम करता है कि जैसे अगर मान लीजिए आपका कोई कमांड है जिसका शॉर्टकट की आप अचानक से भूल गए, तो उसको आप एक्टिव कैसे करोगे, तो हमारे पास दो ऑप्शन होता था। जो ये पहला ऑप्शन ये होता था कि अगर हम उसको पहला जैसे लेटर उटर पता है तो यहाँ पे आ करके फर्स्ट लेटर यहाँ पे टाइप कर देते थे, तो ये हो जाता था इस जगह पे। ठीक है, लेकिन अगर वो भी नहीं अगर आपको पता है और आप सोच रहे हो कि कैसे हम काम करें, तो आप यहाँ पे जो है इस पे आकर के उसको टाइप कर देना और अपने आप वो ले लेगा। ठीक है, कुछ भी मतलब हिंट भी दे दोगे तब भी ये काम करेगा। साइन इन आईडी बार में क्या होता है, ये जो आप अपने आप को यहाँ पे लॉग इन करोगे, ठीक, जो भी ईमेल आईडी से किए रहोगे वो स्टूडेंट आईडी होगा तो स्टूडेंट आईडी का होगा, आपका पर्सनल आईडी होगा तो पर्सनल आईडी होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑटोडेस्क एक्सचेंज एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो या इस एप्लीकेशन को गलती से जनरेट हो गया है तो उसको रीजनरेट करना है या नया वर्जन इसको अपडेट करना है, तो यहाँ से आप इसको एक्सचेंज कर सकते हो। स्टे कनेक्ट ये दिखाता है, ये वाली जो लाइन है स्टे कनेक्ट का मतलब ये हो गया कि यदि आप किसी अलग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो इस एप्लीकेशन से को रिलेटेड, जैसे मान लो गूगल अर्थ हो गया या किसी सैटेलाइट पे काम हो गया, ठीक है, या इसी पे ही काम कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपको ये बताएगा कि आप उससे कनेक्टेड हो कि नहीं कनेक्टेड हो, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क अगर आपको हेल्प चाहिए रहता है तो ये बता सकता है जो भी है। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं कि हमने पहले भी बताया था आपको कि ये जो होता है पैनल्स, ड्रॉ पैनल्स, मॉडिफाई पैनल्स, एनोटेशन पैनल्स, लेयर पैनल्स, ठीक है, तो ड्रॉ पैनल्स मतलब ड्राइंग करने के लिए जितने भी आपके होते हैं, जैसे लाइन, पॉली लाइन, सर्कल, आर्क, एलिप्स, हैच भी आता है इसी कैटेगरी में, तो इस पैनल को हम लोग क्या कहते हैं, ड्रॉ पैनल या ड्राइंग पैनल कहते हैं। ठीक है, एनोटेशन पैनल वो होता है जिसके अंदर हम मेजरमेंट या टेक्स्ट डालते हैं या लीडर फॉलोअर डालते हैं या इंसर्ट टेबल करते हैं। ठीक, ये हो गया। अब ये क्या है आपका मॉडिफाई पैनल, मॉडिफाई पैनल के अंदर जैसे मिरर, कॉपी, ट्रिम, एक्सटेंड, ऑफसेट, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेयर पैनल में ये होता है कि आप लेयर बाय लेयर वर्क करते जाते हो, जैसे मान लो कि ड्राइंग
आप बना रहे हो, डोर का कलर आपने दे दिया है ब्राउन और विंडो का कलर आप दे दिए हो ब्लू। यहाँ पे क्या है कि ड्राइंग जब आप बनाओगे तो डोर जब भी लोगे तो डोर ब्राउन ही कलर का होगा, तो वही लेयर होता है, तो इसको लेयर पैनल कहते हैं। और लेयर की प्रॉपर्टी यहाँ से तुम चेंज कर सकते हो। ब्लॉक क्या होता है कि ब्लॉक तुम्हारा मिल गया, तो जैसे ए बी सी डी तुमने अलग अलग तुमने बना दिया है ऑब्जेक्ट, ठीक। अब उसको क्या किए हो कि ए बी सी डी को एक रूम में रख दो या ग्रुप कर दो या उसको ब्लॉक बना दो, ठीक। ये ब्लॉक होता है कि उसी के साथ रहेगा, और ग्रुप भी लगभग इसी तरीके से होता है। मैं इन दोनों पे तुमको बता दूंगा कि कैसे वर्क होगा, एक ब्लॉक और ग्रुप में। और देखो ये प्रॉपर्टी पैनल है, प्रॉपर्टी पैनल ये जान ही रहे हो कैसे होता है, बताया था कि ये वाली चीजें हैं, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ की लाइन की जो थिकनेस होती है वहां से तुम चेंज कर सकते हो, लाइन की प्रॉपर्टी डैश लाइन दिखाना है या डॉटेड लाइन दिखाना है। ग्रुप भी मैंने बता रखा है कि किसी भी चीज को ग्रुप में, जैसे अभी आपको ब्लॉक बता रहा था ना, ठीक है। तो देखो ग्रुप में क्या है कि कई ऑब्जेक्टों को आपस में एक घर में रखना, ठीक है, वो ग्रुप हो गया। ब्लॉक में क्या होता है कि दो ग्रुप को आपस में एक में बना करके रख देना, जैसे कॉलम हो गया। ये ब्लॉक और ग्रुप में अंतर होता है। यूटिलिटी के अंदर तुम्हारे पैरामीटर्स आते हैं जो तुम सेटअप करते हो, क्लिपबोर्ड व्यू, ये मैंने बताया था, ये आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बात करते हैं इसको हम कहते क्या है, हम यूज तो करते पर नाम नहीं पता इसका रहता है, इसका नाम है विजुअल स्टाइल कंट्रोल। जैसे इसके अंदर आपको क्या होता है कि 2D वायर फ्रेम, शेडेड, ठीक, उसके बाद रियलिस्टिक, ये सारी चीजें इस तरीके से आपको दिखता है, जिसको विजुअल 3D में हम जब देखने की कोशिश करते हैं तो, ठीक है, विजुअल स्टाइल कंट्रोल। जस्ट उसके बगल में ये वाली जो बार है उसको व्यू कंट्रोल कहते हैं। व्यू कंट्रोल का टॉप से देख रहे हैं कि बॉटम से देख रहे हैं, लेफ्ट से देख रहे हैं, राइट से देख रहे हैं, तो इसको हम, या आईसो से, आईसो मैंने बताया था कि जब भी आप तिरछा देखेंगे तो उसको आईसो कहेंगे, ठीक। यहाँ पे ये वाली जो चीजें हैं ये व्यू पोर्ट कंट्रोल है, यहाँ पे आप क्लिक करके देखिएगा व्यू पोर्ट कंट्रोल, आपको समझ में आएगा। यही सेम काम यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्शन क्यूब में आ जाता है, ये जो है ये डायरेक्शन क्यूब में आ जाएगा, ठीक। लेकिन डायरेक्शन क्यूब में क्या है कि आप जैसे बस खाली आप ये वर्क कर सकते हो, टॉप यानी व्यू कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप इसमें ये वाली जो चीज है विजुअल स्टाइल कंट्रोल वो नहीं कर सकते, वो आपको यहीं से चेंज करना पड़ेगा। या तो नीचे ये जो स्टेटस बार है, ठीक है, स्टेटस बार कहते किसे हैं, देखिए बता रहा हूँ, ये यहाँ से जो चालू हुआ है पूरा ये सारा स्टेटस बार में आता है, न कि केवल ये स्टेटस बार होता है, इसलिए मैंने देखिए यहाँ पे ये लगाया है, ठीक। बात करते हैं इन सब चीजों की, नीचे जो है हमारे, देखिए शुरुआत करते हैं स्पेस से। देखिए जब आप यहाँ पे कुछ देर होल्ड करेंगे तो ये आपको होम बटन दिखेगा, और जब आप इस पे राइट बटन क्लिक करोगे तो देखो होम पैरेलल प्रोस्पेक्टिव, हम हमेशा प्रोस्पेक्टिव या इस पे प्रोस्पेक्टिव विथ आर्थो फेस पे काम करते हैं, ठीक। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस ड्राइंग पे कैसे यूज करना होता है। तो ये खुल करके आता है, ये आपका डायरेक्शन क्यूब होता है, कैसे आप रोटेट कर सकते हो। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं WCS, WCS बार, WCS। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू का ऑप्शन आता है, इसमें होता क्या है कि आप एक नया WCS या UCS बना सकते हो। WCS का पूरा नाम जो होता है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और UCS का होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम आप समझ ही रहे हो क्या होता है। ये साइड में जो यहाँ से लगाया यहाँ तक जो है आपको, ये देखिए यहाँ से लगाया था, इसको नेविगेशन बार कहते हैं। नेविगेशन बार के अंदर जो होता है पैन आता है, ठीक है। पहले तो ये जानिए ये जो होता है आपका व्हील होता है, ठीक है। व्हील के बाद आपका ये पैन आएगा, ठीक है। पैन के बाद जूम आता है या ऑर्बिट आता है पेज को रोटेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आपका स्लो मोशन आता है, ये स्लो मोशन के बगल में जरा सा एक ड्रॉप डाउन होगा, जब आप साइड में होगा, वो इमेज में नहीं आया है, जब आप क्लिक करोगे तो डॉकिंग पोजीशन होता है, आप इसमें कौन से किसको किस पोजीशन पे रखना चाहते हो वो आता है, या इसके जगह पे क्या अलग से सेपरेट करना चाहते हो वो होता है, सेम उसी तरीके से क्विक एक्सेस मेनू बार की तरह, ठीक है।
अब बात करते हैं ये कस्टमाइजेशन, ये कस्टमाइजेशन, ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन, ये कस्टमाइजेशन बार में अंदर ये होता है कि जैसे आप जो है कस्टमाइजेशन में मॉडल स्पेस हो गया, ऑटो स्केल हो गया, ठीक है, एनोटेशन हो गया, विजिबिलिटी हो गई, लाइन वेट हो गया, डायनेमिक आपका यूसीएस हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुमको इसके अंदर मिलेंगे चीजें जो कि तुम सेटअप कर सकते हो। ठीक, क्लीन स्क्रीन क्या होता है? क्लीन स्क्रीन, ये जो स्क्रीन, ये जो दिख रहा है ना, ये सब क्लीन स्क्रीन में क्या होगा कि ये आपको जो दिख रहा है ये सारी चीजें ये हट जाएंगी, केवल आप पेज पे काम करोगे। किस पे काम करोगे? पेज पे। तो उसी को ये कहता है क्या है? क्लीन स्क्रीन, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है कि 1 2 3 4 ये आपका स्केल होता है भाई, ठीक है, अलग अलग स्केल है। जैसे एनोटेशन के लिए अलग स्केल हो गया, टेक्सटिंग के लिए अलग स्केल हो गया, ये तुम्हारा हो गया ड्राइंग शीट, कितने बाई कितने बना रहे हो, जैसे 1 mm बराबर तुमने रख दिया 1 m, तो ये सारे स्केल अपने से सेट कर सकते हो, या जो स्टैंडर्ड स्केल है वो सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने बना रखा है, कुछ लोग कहते हैं कि सर ये ग्रीन लाइट ट्रैकिंग नहीं कर रहा, ट्रैकिंग नहीं कर रहा है, तो देखो ये स्टेटस बार जो मैंने दिखाया है ये पूरे के लिए दिखाया हुआ है, ये जो एरो बना है। यहाँ पे जब जस्ट तुम बगल में जब क्लिक करोगे इस पे, तो ये ऑप्शन इसी तरीके से खुल के आएंगे, यहाँ पे चेक मार्क कर लोगे। तो देखो एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि इसका लास्ट आपस में क्या करेगा, ग्रीन कलर से देखो ये हाईलाइट करेगा। मिड पॉइंट कोई लाइन है उसके बीच में, देखो मिड पॉइंट तुम्हारा काम करेगा। कोई सर्कल है उसका सेंटर पॉइंट नहीं दिखा रहा, देखो सेंटर पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट भी दिखाओगे चेक मार्क कर दोगे, पैरेलल दिखा दोगे। ऑब्जेक्ट स्नैप इसी तरीके से तुम लगा सकते हो, अब चेक अनचेक यहाँ से कर सकते हो। ठीक, अब देखो बात करते हैं किस किस की। ये जो तुम्हारा है आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग होता है, ठीक है ना, आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो तुमको दिख रहा है, तो जब हम क्रॉस करते हैं क्रॉस सेक्शन वाला, तो ऐसे तुम्हारा प्लस का साइन होता है ना, जब ये तिरछा हो जाएगा तो देखो ये ऐसे आइसो राइट में काम करेगा, आइसो टॉप पे काम करेगा, आइसो लेफ्ट पे काम करेगा, ये 3 तरीके से काम करता है, ठीक है, जिसको क्रिस्टलाइज भी कहते हैं हम। क्लियर है तुम्हारा? अब देखो बात करते हैं यहाँ पे पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग मतलब तुम कोई भी चीज जैसे है उसको ट्रैक कर रहा हो किसी डिग्री के अंदर, बताया था, एक वो पोलर ट्रैकिंग हो जाता है। अब देखो ये आर्थो ऑन ऑफ एफएट बटन से होता है। ठीक, ये देखो डिस्प्ले ग्रिड, F7 बटन का यूज करोगे, ठीक है, F7 बटन का यूज करोगे तो इस तरह की जो ग्रिड लाइन तुम्हारे ड्राइंग शीट पे दिखती है ना, वो ऑन और ऑफ होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, कमांड बार, ठीक है, ये जो दिख रहा है तुमको कमांड बार, यहाँ पे कमांड फीडबैक देता है, जो भी तुम कमांड लोगे एंटर करोगे तो उसका फीडबैक देगा, वो एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, ये सारी चीजें देखोगे। उसके बाद क्या है तुम्हारा, मॉडल लेआउट। मॉडल लेआउट क्या होता है कि जिस भी आप मॉडल बनाते हो, ठीक है, तो मॉडल लेआउट फर्स्ट मतलब एक ही ड्राइंग शीट पे आप जितना भी वर्क कर सकते हो वो उसके बारे में बताएगा। जैसे आप यहाँ पे ऐड करते जाओगे और शीट बढ़ती हुई जाएगी, क्योंकि कभी कभी हमें काम लिमिट्स के भी ऊपर करना रहता है। पैरामीटर्स तो जो है वो तो है ही है, लेकिन लिमिट्स के भी ऊपर हमें काम करना रहता है। ये भी हम ध्यान में रखते हैं कि मॉडल्स जो भी हम बना रहे हैं उसका क्या है। कभी कभी क्या होता है कि एक पेज पे हम जो है 2D करते हैं, दूसरे पेज पे उसी का 3D करते हैं, तीसरे पे उसका लेआउट दिखाएंगे, चौथे में पूरा उसका इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वो इस तरीके से बढ़ते जाता है। लेकिन होता क्या कि अगर ड्राइंग को अगर हम प्लस करते जाएंगे तो वो ड्राइंग हमारा ऐड होते जाएगा, मतलब पेज ऐड होगा, मतलब एक अलग पेज है वो एक अलग पेज है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आप ऐसे करते जाएंगे तो इसी में आपका ये प्लस होते जाएगा। ये चीजें कि एक ही ड्राइंग में सारी चीजें आप बना सकते हो। कुछ कन्वर्जन का इशू आता है इसमें, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो क्या करेंगे कि कन्वर्जन में इशू ना रहे, तो मॉडल 1 मॉडल 2 ऐसे आप लेकर के चल सकते हैं। ठीक, रिसेट कमांड ये होता है, आप यहाँ पे रिसेट कमांड कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूसीएस आइकन, ये जो XY जो आपको दिख रहा है इसको यूसीएस आइकन कहते हैं, यही आपको इन्फॉर्मेशन देता है। जो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि आइसोमेट्रिक जो ड्राफ्टिंग होता है 3 तरीके से काम करता है, जैसे आप इसको क्लिक कर देंगे ये चेंज हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राफिकल एरिया और ड्राइंग पेज, ये जितने भी पेज है हम उसको क्या कहते हैं, ग्राफिकल एरिया या ड्राइंग पेज,
ग्रिड ऑन ऑफ तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से ग्रिड जो है ऑन ऑफ हम यहाँ से करेंगे F7 बटन से ऑन ऑफ हो जाएगा। तो यही है, पूछा जा सकता है या तो वाइबा में।